ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लैब से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और इस्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फ़िल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंस का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टीवी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टीवी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिल राजू अश्विनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वैनला किशोर श्रीनिवास आ ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएँगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि को अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज़ चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गाँव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पे रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर यूट्यूब प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर आप बहुत सारी वीडियोज़ देख लेंगे जहाँ पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंट्स का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टीवी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता हूँ इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू अश्वनी अश्विनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार हैं जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवास आ रेड्डी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूटूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूटूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि कोई अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर दे रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज़ चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था पर लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गाँव और जब गाँव जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सी है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्डमेंट्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लैब से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फ़िल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इस कारण टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंस का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिल राजू अश्विनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वैनला किशोर श्रीनिवास आ ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड माइंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि को अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो करते रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज से निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गाँव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पे रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर यूट्यूब प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियोज़ देख लेंगे जहाँ पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंट्स का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टीवी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू अश्वनी अश्विनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार हैं जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवास आ ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो सौ करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड माइंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि कोई अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर दे रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज़ चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था पर लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गाँव और जब गाँव जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सी है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्डमैन ने ये मूवी अगर यूट्यूब पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लैब से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फ़िल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड माइंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इस कारण टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंस का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिल राजू अश्विनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वैनला किशोर श्रीनिवास आ ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि को अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो करते रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज से निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गाँव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पे रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर यूट्यूब प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियोज़ देख लेंगे जहाँ पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंट्स का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टीवी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू अश्वनी अश्विनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार हैं जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवास आ ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो सौ करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड माइंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि कोई अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर दे रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज़ चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था पर लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गाँव और जब गाँव जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है कि बहुत ही बड़ी कंपनी का सी है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्डमैन ने ये मूवी अगर यूट्यूब पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लैब से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फ़िल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंस का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिल राजू अश्विनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार हैं जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल राजू राजीव कनकल्ला वैनला किशोर श्रीनिवास आ ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि कोई अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो करते रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज से निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गाँव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सी है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गाँव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गाँव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पे रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूटूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर यूट्यूब प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियोज़ देख लेंगे जहाँ पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंट्स का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टीवी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता हूँ इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू अश्वनी अश्विनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार हैं जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवासा रेड्डी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएँगी ज़रूर आएँगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि कोई अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से अलग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर दे रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था पर लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज से निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लैब से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और इस्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फ़िल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंस का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू राजू अश्विनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल राजू राजीव कनकल्ला वैनला किशोर श्रीनिवास रेड्डी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूटूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगे लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि कोई अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर करते रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज चुका देगा और वो ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज से निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गाँव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड माइंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें ये मूवी पसंद आएंगी इस कारण टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक इसे YouTube पे रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंट्स का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टीवी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता हूँ इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टीवी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट टू की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू अश्वनी दत्त परम पुल्होत्री प्रसाद वी पल्होत्री पेरियल पुलोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवासा रेड्डी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि कोई अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से अलग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर दे रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था पर लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लैब से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और इस्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड माइंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इस कारण टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंस का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टीवी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टीवी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू राजू दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पल्होत्री पीरियल पुल्होत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवास आ ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड माइंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि को अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा है उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर दे रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गाँव और जब गाँव जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सी है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूटूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर यूट्यूब प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है यूटूब पर आप बहुत सारे वीडियोज़ देख लेंगे जहाँ पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंट्स का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता हूँ इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू अश्वनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवास आ रेड्डी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो सौ करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएँगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि को अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो करते रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गाँव जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इसे फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लैब से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड माइंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इस कारण टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंस का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टीवी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टीवी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता हूँ इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू राजू अश्विनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवास आ ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि को अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर दे रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गाँव और जब गाँव जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सी है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पे रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर यूट्यूब प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर आप बहुत सारी वीडियोज़ देख लेंगे जहाँ पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंट्स का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टीवी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता हूँ इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू अश्वनी अश्विनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवास रेड्डी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो सौ करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएँगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि कोई अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर करते रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज़ चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लैब से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और इस्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फ़िल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड माइंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंस का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू राजू अश्विनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलोत्री पेरियल पुलोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वैनला किशोर श्रीनिवास आ ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फ़िल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूटूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि को अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर दे रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज़ चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सी है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गाँव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गाँव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पे रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और इस्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर यूट्यूब प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे यूटूब पर रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर आप बहुत सारी वीडियोज़ देख लेंगे जहाँ पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंट्स का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टीवी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता हूँ इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू अश्वनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार हैं जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवास रेड्डी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि कोई अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से अलग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर दे रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज़ चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लैब से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और इस्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इस कारण टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंस का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टीवी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फ़िल्म को टीवी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता हूँ इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू राजू दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने यह मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कमाराजू राजीव कनकल्ला वैनला किशोर श्रीनिवास आ ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि को अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा है उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से अलग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर दे रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज़ चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज से निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पे रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर यूट्यूब प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियोज़ देख लेंगे जहाँ पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंस का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता हूँ इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू अश्वनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पल्होत्री पर्यल पुल्होत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार हैं जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवास आ ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो सौ करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएँगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज़ होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि को अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो करते रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज से निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पे रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें ये मूवी पसंद आएंगी इस कारण टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंस का टी चैनल क्योंकि फ़िल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू अश्वनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुल्होत्री पीरियल पुल्होत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार हैं जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवास आ ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएँगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि कोई अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो करते रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज़ चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज से निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गाँव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पे रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर यूट्यूब प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियोज़ देख लेंगे जहाँ पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंस का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता हूँ इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू अश्वनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलोत्री पेरियल पुलोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवास रेड्डी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर यह आएंगी ज़रूर आएँगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि को अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से अलग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो करते रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज से निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फ़िल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पे रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और इस्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड माइंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें ये मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंस का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टीवी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टीवी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू अश्वनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवास आ ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगे लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज़ होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि को अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर दे रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज़ चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज से निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पे रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और इस्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक तो इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारी वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंस का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ही मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता हूँ इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू अश्वनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलोत्री पेरियल पुलोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवास रेड्डी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड माइंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर यह आएंगी ज़रूर आएँगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि को अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से अलग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो करते रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज चुका देगा और वो ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज से निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फिल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने ये मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें ये मूवी पसंद आएंगी इस कारण टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक इसे YouTube पे रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंट्स का टी चैनल क्योंकि फ़िल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू राजू दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पल्होत्री पीरियल पुल्होत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकला वेनला किशोर श्रीनिवास आ ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड माइंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएंगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि को अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर दे रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था पर लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्डमैन ने ये मूवी अगर यूट्यूब पे रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ ये कहानी दोस्तों ऋषि की है जिसकी लैब से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसने जो हासिल किया कैसे किया वो सब कुछ हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मूवी अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी और स्पेशली क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म महर्षि के बारे में ये मूवी 2019 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी और इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला था फ़िल्म को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ था और इसकी डबिंग को करवाया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी गोल्ड मैंस ने यह मूवी दोस्तों एक्शन और रोमांस के ऊपर आधारित है जो लोग एक्शन रोमांटिक फिल्में देखते हैं इन्हें यह मूवी पसंद आएंगी इसका रन टाइम लगभग तीन घंटे के आसपास का है और अगर YouTube प्रीमियर की बात करें तो अभी तक इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है YouTube पर आप बहुत सारी वीडियोस देख लेंगे जहां पर दावा किया गया है ये मूवी है लेकिन दरअसल दोस्तों ये मूवी नहीं है वो कोई और मूवी होगी या फिर आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मूवी मिलेंगी ही नहीं तो अगर आपको हिंदी में देखना है दोस्तों तो एक ही रास्ता है और वो है गोल्ड मैंट्स का टी चैनल क्योंकि फिल्म का राइट्स उन्हीं के पास है और वो लोग इसे टीवी के ऊपर अक्सर रिलीज़ करवाते रहते हैं यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी अक्सर आती रहती है आप इस फिल्म को टीवी पर ही देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी बाकी इसका हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है वरना मैं आपको बताता इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो जाना पड़ेगा गोल्ड मैंस के टी चैनल के ऊपर ही इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ सेवन की है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर जो है वो सिक्सटी फोर प्रतिशत लोगों ने लाइक किया है और इसे प्रोड्यूस किया था दिलराजू अश्वनी अश्विनी दत्त परम पुलहोत्री प्रसाद वी पुलहोत्री पेरियल पुलहोत्री ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किरदार हैं जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रेट इंडिया फिल्म ने ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुने भी होंगे फिल्म के अंदर महेश बाबू पूजा हैगड़े अल्लारी नरेश मीनाक्षी दीक्षित प्रकाश राज जगपति बाबू नसर पृथ्वीराज कमल कुमार राजू राजीव कनकल्ला वेनला किशोर श्रीनिवास आ रेड्डी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन किरदार देखने को मिल जाते हैं और सभी का काम लाजवाब है जो कि कहीं पर भी हमें निराश नहीं करता है हर मूवी के अंदर कुछ खास होता है जो कि हमें एंड तक बांधे रखता है इसका बजट तकरीबन साठ करोड़ का बताया जा रहा है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दोस्तों जो था वो हुआ था दो करोड़ का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित हुई है बाक़ी दोस्तों फिल्म के अंदर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो फिल्म है वो दो, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रही है मूवी के अंदर जो जिस तरह से महेश बाबू ने काम किया है वो लाजवाब है साथ ही में जो महेश बाबू है इनकी एक्टिंग भी दोस्तों आपको पसंद आने वाली है कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी मूवी दोस्तों बनाई गई है जिसे आप एक बार हिंदी के अंदर देख सकते हैं ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर आपको फ्री में शायद नहीं मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके लिए आपको दोस्तों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए यूट्यूब पर ये आएंगी ज़रूर आएँगी लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये मूवी टीवी के ऊपर आती है जब भी तो काफ़ी चला चलती है टीआरपी काफ़ी अच्छा मिलता है तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पर आसानी से रिलीज़ हो जाए कहानी की बात करूँ तो ऋषि यहाँ पर जो होता है वो एक मिडिल क्लास का लड़का है और इसके पिता के ऊपर कर्ज़ होता है हर दिन कोई ना कोई उनसे पैसे मांगना आता रहता है और ऋषि कोई अच्छा नहीं लगता है और ऋषि और इन उसके जो पापा हैं उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है वो बात बहुत ही कम करते हैं और हमेशा दो दोनों से मतलब एक दूसरे से लग रहते हैं और मतलब जैसे कि झगड़ा हुआ दोनों के बीच में ऐसे ही मतलब जो है वो कर दे रहते हैं और ऋषि यहाँ पर गुस्से में ये बोलता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और सबका कर्ज चुका देगा और ऐसा करता है और उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में उसे एक बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जो पहले तो दोस्त नहीं था लेकिन आगे जाकर दोस्त बन जाता है एक लड़की उसके लाइफ में आती है वो भी उसके दोस्त बन जाती है एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है कि ऋषि के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे कॉलेज से निकाल देने का टाइम आता है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है और बताता है कि जो कुछ भी हुआ मैंने किया है ऋषि ने नहीं किया है तो आप ऋषि को मत निकालिए मुझे निकाल दीजिए फिर उसके दोस्त को कॉलेज से निकाल दिया जाता है ऋषि अपने दिमाग में ठान लेता है कि इस दोस्त का ये कर्ज़ वो कभी नहीं भूलेगा और वो टाइम आ ही जाता है कि ऋषि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सी बन जाता है लेकिन उसका जो दोस्त जो कि कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से शायद वो यहाँ तक है अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गांव के अंदर मुसीबत में है तो वो निकल पड़ता है गांव और जब गांव हो जाता है तो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है तो मीडिया वाले तो आएंगे ही अब वो दोस्तों गांव आए हैं तो फिर इसके पीछे क्या वजह है और गांव में ऐसा क्या हुआ है ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप इस फिल्म को दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त मूवी दोस्तों है तो आप इसे ज़रूर देखिए डबिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी कराई गई है गोल्ड माइंड्स ने ये मूवी अगर यूट्यूब पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ